नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज मैं अब क्या है कि जो पहले सेशन में या पहले पेपर के जो जीके के क्वेश्चन कराए थे, अब क्या है पेपर के जो है कि मैथ के सोल्यूशन कराएंगे, जो कि आपको 10-12 क्वेश्चन है कि जो कि मैथ के आपको इसको सोल्यूशन कराना है। ठीक है, अब तो हम देखेंगे क्या है कि जब तक देखिए आप एनर्जी में नहीं रहेंगे, एनर्जी नहीं रहेगी तो फिर आपको सवाल बताने या मैथ का कैलकुलेशन बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप जब तक एनर्जी में नहीं रहेंगे तब तक क्या है आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए क्या है आज की क्लास है जो कि मैथ के सेशन में बात करेंगे, तो जो आप मैथ में देखना चाहते हैं तो आपको सूत्र भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो आपका पहला पेपर का क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 18, जो दिया हुआ है सवाल में 5%। क्या दिया हुआ है 5%, मतलब इसको जानते हैं किससे, आर से, कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3 माह के लिए, इसको वर्ष में बदल दीजिए आप तो 3/12 क्या हो जाएगा, वर्ष। ठीक है, 3/12 वर्ष में हो गया, माह है दिया है तो उसको बदल दीजिए। उसके बाद लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया हो जाएगा, तो कह रहा है कि कितने मूलधन पर, तो मूलधन को प्रेज करते हैं कि पी से डिनोट करते हैं मूलधन को, तो यह पूछ रहा है आपसे। और साधारण ब्याज दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपको 25 रुपया दिया है। ठीक है, 25 रुपया तो आप लगाएंगे कैसे, तो आप जानते हैं एक फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर आप जानते हैं इसको हम लिखते हैं क्या, ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। बराबर क्या होगा, मूलधन गुणित रेट गुणित क्या है टाइम बटे 100 होता है। यह फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, साधारण ब्याज बराबर है। तो साधारण ब्याज हमको दिया है कितना 25, और क्या है मूलधन हमसे पूछा है तो यह मान लीजिए। ठीक, इसके बाद दर पूछा है, आर का मान दिया है कितना 5%, और समय टाइम कितना दिया है 3 माह, मतलब उसको वर्ष में बदलेंगे तो 3/12 हो जाएगा, और इसके बटे कितना 100 लिखना है, गुणा कर लीजिए, बस हो गया। सवाल यही है, कितना सिंपल है, 5 × 5 5 × 5 = 25 कट गया, 3 × 3 3 × 4 = 12 हो गया। अब इधर बचा 5, इधर बचा ऊपर यक्स, और कितना 400। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 20 और 00। ठीक है, इतना आपका क्या आ गया, इतना पैसा आ गया। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका कितना 2000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, 2000 रुपया होगा। ठीक है, यह 18 नंबर का क्वेश्चन था, ई मैथ है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या है आगे, क्वेश्चन क्या है आगे, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आगे क्या है आपका, मैथ का सवाल 28 नंबर का सवाल है, जो इस 28 नंबर का आंसर जो है मिस्टेक दिया है ऑप्शन, जो सवाल है 28 नंबर का क्वेश्चन, यह क्या है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस कितना है 111 सही 1/2। यह क्वेश्चन मिस्टेक था, जो सबको जहां तक की उम्मीद है कि सबको नंबर इस पर मिल जाएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है इसको हल करने के बाद कितना है इसका आंसर है। जब इस तरीके के सवाल दिए हो तो मैथ का ट्रिक क्या है, इसका जुगाड़ क्या है भैया, कि इस तरीके का जो सवाल दिए हो तो आप करेंगे क्या कि जितने इस तरीके के अंक हैं उनको बाहर निकाल लीजिए, क्या है उनको बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद क्या है कि आप इसका 1/2। ठीक है, इस तरीके से करिए, तो आप इसको हल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 111 और 11 प्लस 1 3 हो गया, और यहां पर 2 हो गया, और यहां पर 1 हो गया। ठीक है, तो 3 हो गया, 2 हो गया, और क्या है 1 हो गया, यही तो है ना, 1 सही 1 सही 11 सही और 111 है ना, तो इस तरीके का है। तो आप करेंगे क्या कि इसमें से कॉमन ले लिया जाएगा, कितना 1/2 कॉमन ले लिया गया, 1 2 इस तरीके से जोड़ेंगे आप तो आपका आएगा कितना, इस तरीके से आ जाएगा, हाँ 123, तो 111 जोड़ेंगे और 1, तो 3 हो गया और 2 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, तो इसका योग कितना आया 123 आया, और इसमें इंटू कितना है 123, इसका आंसर यह होगा। ठीक है, आगे क्या है क्वेश्चन मैथ का, इस तरीके सवालों में है ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आगे देखिए,
आगे नंबर का क्वेश्चन क्या है? आगे नंबर का क्वेश्चन 34 है, 34 क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इस तरीके का बनता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज जो है इस तरीके का बना है, तो इसकी प्रत्येक भुजा कहा है 2√3 है। कितना? 2√3, मतलब a बराबर 2√3 दिया हुआ। आपसे कह रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगी, बीच वाली ऊंचाई हाइट कितना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालना हो जाए तो आप निकालेंगे क्या, ऊंचाई बराबर करते हैं क्या, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला है कि समबाहु त्रिभुज लिखें क्या, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई यानी h बराबर आपका कितना हो जाएगा, a अपान क्या होता है अंडर रूट थ्री होता है। यहां तक क्या है, थ्री नहीं, फार्मूला नहीं है इसमें, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला आपका होगा h बराबर, जहां तक की है क्या, h बराबर निकाला जाएगा तो इसमें का क्या है, हाँ तो h बराबर जहां तक इसमें दिया हुआ है कि h बराबर क्या हो जाएगा √3 इंटू क्या हो जाता है a होता है, तो ऊंचाई बराबर √3 a होता है, √3/2 इंटू a होता है, तो ऊंचाई बराबर तो √3 हो गया अपान 2 इंटू इस a का मान कितना है 2√3 है, तो 2 से 2 कट गया और 3 का 3 में इंटू होगा √3 इंटू होगा तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसका आंसर 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर 35, आगे क्वेश्चन नंबर क्या है 35 क्या है, कह रहा है ए किसी कार्य को, क्या कहा, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/10 भाग, ठीक है, एक दिन में, तो इस तरीके का काम दिया जाता है तो ऐसे रखा जाता है कि एक दिन का कितना, एक दिन में क्या है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कार्य समाप्त कर देता है, तो एक दिन का काम कितना होगा 1/10 हो जाएगा। आगे कहा जबकि बी उसी कार्य को, बी उसी कार्य को कह रहा है क्या, बी उसी कार्य को कह रहा है कि 15 दिन में समाप्त करता है, कितने दिन में, 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/15, कह रहा है जब दोनों मिल जाए, दोनों मिलने का मतलब क्या होगा a प्लस बी मिल जाए तो 1/10 a का प्लस 1/15, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 एलसीएम होगा, तो 10 या 30 और प्लस कितना होगा 15 × 30, तो 5/ क्या होगा 5/30 होगा, ठीक है, इसमें क्या है एक दिन का काम है, तो अगर कहा जाए कि पूरे दिन का काम कितना है, कितने दिन में समाप्त कर जाएंगे, तो आप करेंगे इसको उलट देते हैं, तो आप करेंगे कितना कि 6 दिन में या क्या करेंगे समाप्त कर देंगे, ठीक है, ये एक दिन का जो कार्य है उनका इतना, तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इस भाग को क्या किया जाता है उलट दिया जाता है, आ जाएगा आंसर 35 का 6 दिन होगा। उसके बाद क्या है 36 नंबर का सवाल क्या है, आगे इसको देखते हैं क्या 36 नंबर का सवाल, तो 36 नंबर के सवाल में क्वेश्चन नंबर 36 है आपका क्या है कि तीन कारों की चाल 2, 3, 4 के अनुपात में है, ठीक है, 2, 3, 4 की, इसको मिनट दे रहे हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे कि इसमें है क्या कि 2, 3, 4 के अनुपात में है, तो समान दूरियां तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, तो हम कहा हमसे कहा क्या दूरी इन तीनों कारों का दूरी क्या है एस है जो कि समान है तीनों का, और चाल कह रहा है कि चाल किस अनुपात में है, तो 2, 3 और 4 अनुपात में है, इसको तो अगर ट्रिक्स लगाया जाएगा तो बहुत जल्दी लग जाएगा, लेकिन बेसिक तरीके से अगर कहा जाए तो आएगा कैसे, तो इस तरीके का अनुपात दिया हुआ है ना, तो अनुपात दिया हुआ है, तो अगर कहा जाए कि इनका समय का अनुपात पूछ रहा है, तो इनको अनुपात में दिया है तो 2x लिख लीजिए, उसके बाद 3x, उसके बाद 4x ऐसे लिख लेंगे, और समय क्या होगा t1 संबंधे t2 संबंधे t3 ये पूछ रहा है आपसे, तो यहां पर जानते क्या है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, क्या होता है दूरी बटे समय, तो चाल को डिनोट करते हैं भी से, भी बराबर क्या है s/t ऐसा लगाना है, तो हमको इस तरीके से दूरियां तीनों का समान है, तो हम कहें चाल पहले क्या है समय निकालना है, तो इसलिए हम कहेंगे कि पहले के लिए, पहले कार के लिए, कार पहला या पहले कार के लिए, पहले कार के लिए,
तो ऐसा लगाएंगे तो टी वन बराबर क्या हो जाएगा, एस बटे क्या हो जाएगा, वी वन। ठीक है, इसका एस का मान तो वही रहेगा, दूरी वही है, सेम है तीनों के लिए, तो एस रख देते हैं। और क्या है, टी वन है निकालना है, तो वी वन का मान कितना होगा इसमें से, वी वन का मान होगा 2x। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद इसी तरीके से टी टू निकालेंगे, दूसरी कार के लिए टाइम निकालेंगे, तो एस बटे क्या हो जाएगा, वी टू। तो एस वही रहेगा, वी टू का मान कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टी थ्री तीसरे के लिए निकाला जाएगा, तो एस बटे क्या हो जाएगा, वी थ्री। तो इसका मान कितना होगा, इसका मान आपका हो जाएगा एस बटे क्या हो जाएगा, 4x। ठीक है, आगे देखते हैं इधर, तो इस तरीके का हो जाए तो आप अनुपात निकालेंगे। तो पहले किसका निकालेंगे, टी वन अपॉन टी टू का। तो टी वन का मान जो है कितना है, एस बटे 2x, और बटे कितना है टी टू का, एस बटे क्या है, 3x। इसको हल करेंगे तो एस बटे 2x इंटू क्या हो जाएगा, 3x बटे कितना, एस 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 कट जाएगा, एक्स एस कट जाएगा, मतलब कितना आया, 3 संबंधे 2। टी वन संबंधे टी टू का मान कितना आ गया, 3 संबंधे 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, टी टू बटे टी थ्री का अनुपात निकालेंगे। तो टी टू का मान कितना था, एस बटे 3x, और एस थ्री का मान, टी थ्री का मान कितना है, एस बटे 4x है। इसको हल करेंगे तो एस बटे 3x इंटू 4x बटे कितना होगा, एस होगा, तो ये कट जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा, तो कितना आएगा, 4/3, यानी हम कहेंगे 4 संबंधे 3। तो टी टू संबंधे कितना आ जाएगा, टी थ्री जो कि आपका आएगा 4 संबंधे 3। ये आपका टी वन संबंधे आ गया और एक टी टू संबंधे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, संबंधन वान निकालेंगे, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर लगा देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, टी वन संबंधे टी टू बराबर कितना है, 3 संबंधे 2। अब हम करेंगे क्या, टी टू संबंधे टी थ्री, इसको हम लिखेंगे कितना, इसके आगे ही लिखेंगे हम कितना, 4 संबंधे 3। अगर इस तरीके के आ जाते हैं सवाल, तो इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, केवल इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, संबंधवान में ऐसे आएगा। तो आप करेंगे क्या, 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 8, संबंधे कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6। इसको हम काट देंगे तो 2 से काटेंगे 6 आएगा, इसको काटेंगे तो 4 आएगा, इसको काटेंगे तो 3 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इतने ही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 36 का क्या होगा आंसर, 6 संबंधे 4 संबंधे क्या होगा 3 होगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं हम, 37 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन कोई हार्ड बहुत जरूर बहुत बड़ा नहीं है, आप आसान है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा देना। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 का है, कहा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का, संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत 66 है, तो बी व ई का गुणनफल ज्ञात करिए। तो कहा यदि 5 क्रमागत सम, तो पहली संख्या इतना हो जाएगा, पहली क्रमागत संख्या x और दूसरी x+2, फिर x+4। सम कहा इसलिए ऐसा लिखेंगे, x+6, 1, 2, 3, 4 हुआ, और उसके बाद क्या होगा, पांचवा x+8। इनका कह रहा है कि औसत, औसत 66 है, तो औसत निकालेंगे, इन सभी संख्याओं का औसत निकालेंगे, तो x प्लस x बटे 2 प्लस क्या हो जाएगा, x बटे 4 प्लस x बटे 6 प्लस x प्लस 8 बराबर कितना, 66। कितने संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का पूरा कर दीजिए, औसत का योग, योग हो जाएगा। ठीक है, तो कितने यक्ष हैं, तो 5 यक्ष हैं, प्लस इसमें जोड़ेंगे तो 4 × 2 = 6, 6 × 6 = 12, 12 × 8 = 20, 20 बराबर कितना होगा, इसका इंटू करेंगे तो 330 आएगा, 5 × 6 = 30, 0 हंसी लगाते हैं, 5 × 6 = 3, 33। ठीक है, आगे देखेंगे, तो इस 20 को हम उधर ले जाएंगे तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 20 घटाएंगे तो 310 आ जाएगा, काटेंगे इसको कितना हो जाएगा, x बराबर 5 × 6 = 30, 2 × 5 = 10। ठीक है, कितना आ गया, 5 × 10, तो E आपका आ गया 62, x का मान 62 आ गया। तो अब कहा है किसका, B और E, तो इसमें A है, E B है, C है, D है, E क्या है, A B C D, उसके बाद क्या है, यह E है। तो कहा आपसे कहा है B व E का गुणनफल ज्ञात करना है, तो B का यह है x+2 और आप निकालेंगे किसका, और E का, तो x+8।
तो एक्स का मान कितना आया है 62, तो 62 कितना हो जाएगा 64, और गुणित्ते कितना हो जाएगा 62, 8 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का इसमें इंटू कर दीजिए, 7 का इंटू करेंगे 7 4 28, 0 पहले से है, 28 का 8, 80 लगा 2, 6 7 42, 42 2 कितना हो जाएगा 42 2 44, इसका आंसर होगा क्या 44 80 होगा इसका आंसर, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन है, ठीक है इसको मिटा दे। अब आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, आगे क्वेश्चन 38 है, कहा है कि ए का 60% कितना, क्वेश्चन नंबर 38 है, ये कहा है कि ए का 60% का मतलब ऐसे निकाल दीजिए आप, बराबर कह रहा है कि बी का 3/4 है, तो ए संबंधे बी का अनुपात पूछ रहा है, ऐसा सवाल है। तो अब करेंगे क्या कि इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 3 1 3, 3 2 6 हो गया, इधर 4 2 से काट दीजिए, 2 2 4, 2 5 10 कितना हो जाएगा 2a/5, अब बराबर कितना हो गया इधर b/2। अब इसको हम करेंगे क्या, हल करेंगे तो इंटू कर देते हैं, इंटू करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 4a/ क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा। तो a संबंधे b पूछा है, तो a इधर है, b इधर, b से इधर ला दीजिए, इधर कितना है 5 है, और इधर जब इंटू है 4 का, तो इधर आएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो a संबंधे b बराबर 5 संबंधे 4, इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एकदम सरल है, आप थोड़ा सा भी बेसिक बस सीखने के लिए कोशिश करेंगे, हम सिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप एकदम है कि कंफर्म है कि आप तेज हो जाएंगे, और क्या है कि आप इन सब सवालों को चुटकी में लगाएंगे, एकदम क्या है प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, आगे क्वेश्चन है आपका, आगे क्वेश्चन है 39 नंबर का, 39 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कहा है कि थोड़ा सा हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं, बस सोचने में हार्ड है, 2x बराबर दिया है 3y, उसके बाद बराबर दिया है 6z, तो कहा है कि 1/x + 1/y + 1/z का मान क्या होगा। ठीक है, तो इन सभी को आप मान लीजिए क्या 2x = k, तो आप इधर करेंगे तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा k के पावर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा इंटू करेंगे तो ये बराबर सभी में हो जाएगा, तो इन सभी को बराबर, या तो आप ऐसे लिख लीजिए 3y बराबर 6 के पावर क्या होगा -z बराबर k के, तो इन सभी के बराबर हो जाएगा, तो 2x = k, तो हम लिखेंगे क्या 2 बराबर क्या हो जाएगा k, जब इधर k घात इधर आएगा तो घात उलट जाता है। ठीक है, घात उलट जाएगा, तो इस तरीके को हो गया, आगे इतना हुआ। अब आगे क्या करेंगे हम, इसी तरीके से 3x = y बराबर क्या है k, तो इसको हल करेंगे तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर होगा आपका कितना, इधर आपका इंटू होगा तो क्या होगा इधर k के पावर कितना हो जाएगा 1/y आ जाएगा। उसी तरीके से हम करेंगे क्या कि जो 6 है बराबर 6x - z है, ये बराबर k के है, तो आप करेंगे क्या कि इस तरीके से इसको हम हल करेंगे, तो यह आपका हो जाएगा क्या कि यहां से हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 बराबर k के पावर क्या हो जाएगा k के पावर हो जाएगा आपका इधर आएगा, या तो इसको उलट दीजिए, यहां पर इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, तो यहां पर आपको बदलना पड़ेगा 6x - z बराबर k है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या कि जब किसी संख्या के ऊपर ऐसा रहता है तो आप लिखते हैं क्या 1/x, ऐसे लिखते हैं, ये पावर को इस तरीके से लिख दिया जाता है, तो यहां पर लिखा हुआ, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या 1/6z ऐसा लिखेंगे, तो बराबर क्या होगा k होगा। तो हम करेंगे क्या कि इसको जब हम हल करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 1/z ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे जब फिर 1/6 बराबर करेंगे तो k के पावर क्या आ जाएगा 1/z आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/z हो जाएगा z। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि आपका समीकरण 1 था, ये समीकरण आपका 2 था, ये समीकरण आपका 3 है, तो हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 व 2 और 3 को आपस में इंटू कर देते हैं,
क्या करते हैं, समीकरण एक दो गुणते तीन गुणते एक बटे छह बराबर कितना हो गया, के पावर कितना है, के पावर आपका क्या है यहां पर एक बटे एक्स इंटू के पावर एक बटे वाई इंटू के पावर कितना है एक बटे जेड, यहां से ऐसा लिख सकते हैं। इस तरीके से जब हो जाएगा तो आप इसको हल करेंगे तो तीन दूनी छह इधर कट जाएगा, इधर कितना बचा एक बराबर के पावर एक घात क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तो एक बटे एक्स प्लस एक बटे वाई प्लस एक बटे क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा इस तरीके से। तो आप जानते हैं कि जब एक किसी संख्या का मान कैसे होता है, तो हम कहेंगे कि के पावर यहां जीरो रख देते हैं तो मेरा काम हो जाएगा कि के पावर जीरो का मान कितना होगा एक होगा, तो के पावर क्या है ई पूरा एक बटे एक्स प्लस एक बटे जेड अरे एक बटे वाई प्लस एक बटे जेड होगा। तो ई संख्या का मान क्या है के को हम क्या करते हैं के को तुलना कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा एक बटे एक्स प्लस एक बटे वाई प्लस एक बटे क्या जेड बराबर कितना आंसर आएगा जीरो आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर यह है। थोड़ा सा क्या है लेंथी है जो कि हम कहेंगे कि थोड़ा सा इसमें आपको रुचि रखेंगे बस आपको सवाल आ जाएगा, क्योंकि इन सभी जब बराबर दिए रहे हैं आप मान लीजिए क्या एक नियतांक मान लीजिए के, मान लीजिए के मान कर लगाएंगे आप आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आगे नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 39, उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 43 मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आगे इस तरीके के सवाल हर एग्जाम में आते रहते हैं और बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा मन देखना है इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, किसी कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है तीन संबंधे दो दिया है। ठीक है, अनुपात है यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिक हैं। ठीक है, बालिक मतलब 18 से ऊपर है, नाबालिग कितने तब हैं ये पूछा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिक नहीं मतलब नाबालिग हैं तब, तो हम कहेंगे इनको अनुपात दिया हुआ है। तो अगर मान लेते हैं संख्या 100 है, हम मान लिए कि विद्यालयों की संख्या लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है बॉयज और गर्ल्स की संख्या अगर कहा जाए तो बॉयज की संख्या का अनुपात 3 है और क्या है गर्ल्स का संख्या का अनुपात कितना है 2 है। तो हम कहेंगे क्या कि इस बी का अगर हम 100 अगर मान लेते हैं 100 तो ई बॉयज कितने हो जाएंगे 300 और क्या यह हो जाएगा कितना गर्ल्स 200 हो जाएगा। तो अब हमसे कहा है यदि 20% लड़के बालिक तो नाबालिक पूछ रहा है प्रतिशत, तो नाबालिक कितने हुए तो 100% का होता है परसेंट, तो बालिक 20 है तो नाबालिक 80 होंगे, तो इस संख्या का क्या निकालेंगे 300 संख्या का नाबालिक निकाल देंगे तो आपका कितना आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा संख्या आएगा तो 2 काट देंगे 0 8 तक के 24 240 लड़के हैं लेकिन प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि 200 का हम निकालेंगे कितना प्रतिशत लड़कियां हैं 25% लड़कियां बालिका बालक है तो 25% बालिक है तो कितने नाबालिक है तो 75%, तो 75% का 100 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 200, तो 75 का कितना आएगा 150 होगा, 150 होगा। तो हम कहें कुल संख्या इनका कितना हुआ तो कुल संख्या अगर जोड़ेंगे हम तो 240 प्लस कितना 150 तो कितना हो जाएगा 390। 390 का अगर हमको प्रतिशत में निकालना है तो फिर 100 का गुणा करते हैं, प्रतिशत में दिया रहता है तो 100 का भाग करते हैं, प्रतिशत में निकालना होता है तो 100 का गुणा करते हैं, तो 100 का गुणा किए लेकिन कितने लड़के हैं उस विद्यालय में, उस विद्यालय में टोटल कितने बच्चे हो गए हैं गर्ल्स और बॉयज दोनों हमको निकालना है क्योंकि बालिक और नाबालिग पूछ रहा है, तो बालिक हमको दिया है नाबालिग पूछ रहा है, तो हम करेंगे क्या कि पूरी संख्या हम माने कितना 500 हो गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 500, तो 500 में हमको कितना देखना है तो काट देंगे इसको कितना आएगा आपका 5 से काटेंगे तो 5×35 5×40 78% आपका क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, 43 का सी नंबर होगा। ठीक है, आगे देखिए इसके आगे नंबर का सवाल क्या है क्वेश्चन नंबर क्या है 44 जो कि मैथ का ही सवाल है। इसमें क्या है कि यह भी बहुत सरल है, ये तो एकदम सरल है लेकिन देखने में बस कठिन करता है। ठीक है, देखने में क्या है थोड़ा कठिन है बस लेकिन है क्या सरल, ऐसे बनाया हुआ है क्या इस तरीके का बनाया हुआ 5+ इस तरीके का अंडर रूट में रखा है 11 प्लस क्या है इस तरीके का रखा 19 प्लस क्या करना है इसको 29 प्लस क्या रखना है आगे इसमें अंडर रूट में 49
इस तरीके का, तो आप ऐसे सवालों को बिना पेन का ही लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, इस 49 किसका वर्ग है, 49 किसका है तो 7 का है, तो इसको अगर ये अंडर रूट में है तो इसको निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, इसको निकालेंगे तो 7 लिखेंगे, ठीक 7 लिखेंगे, तो 7 को अगर हम इसमें जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 7 में फिर जोड़ेंगे हम इसको तो 7 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 किसका है ये पूरा, अगर 36 कहा जाए तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 36, तो बाहर कितना निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा 6, 36 का वर्ग कितना, अरे 36 का वर्गमूल कितना 6 होगा, तो वर्गमूल 6 आया, फिर 19 प्लस 6 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, अब 25 बाहर रूट से निकलेगा तो कितना निकलेगा 5 निकलेगा, 5 इसको जब जोड़ेंगे तो यह रूट में कितना हो गया, रूट में यह 16 हो गया, 16 जब यह बाहर से निकलेगा तो यह कितना आएगा 4 होगा, जब इनको जोड़ा जाएगा तो 5 4 9, अंडर रूट में से 9 निकलेगा तो कितना आएगा 3, इसका आंसर 3 होगा, ठीक है। एकदम जो है कि आप लास्ट से देखते जाइए और वह किसी न किसी का वर्गमूल होगा और उसको क्या करते जाइए, आप सीरियल वाइज से जोड़ते जाएंगे और इसी तरीके से सवाल हल हो जाएगा। 44 नंबर का सवाल था। उसके बाद 47 नंबर का सवाल क्या है, मैथ मैथ 47 का क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, 47 क्या है आपका, कह रहा है एक वस्तु ए से बी तक जाने में 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड का टाइम लेता है ए से बी तक जाने में, उसके बाद कहा जाता है और वह पुनः ए तक 60 मीटर पर लौट जाता है, फिर यहां से यहां तक वापस आ जाता है, ये 40 गया फिर 60 मीटर पर सेकेंड से लौट जाता है, तो कहा कि लौट जाता है तो पूरी यात्रा का औसत चाल पूछा है, जब एक ही व्यक्ति जाता है फिर वापस आता है एक ही दूरी पर, तो ऐसे कंडीशन के लिए एक फार्मूला है औसत चाल बराबर आपको फार्मूला जानते होंगे कि 2xy बटे क्या हो जाएगा x प्लस वाई, या तो आप लिख सकते हैं 2ab बटे क्या हो जाएगा a प्लस बी, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इसमें आप पुट करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा एक्स का मान कितना, पहले चाल का 40, दूसरा चाल कितना 60, और 40 प्लस 60 इसको जोड़ देंगे हल हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 40 और × 60, अब बटे क्या करेंगे हम इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100, इन दोनों जीरो को काट देंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 24, 24 × 48 हो जाएगा, ठीक है 48 हो जाएगा आपका इसका आंसर, मीटर पर सेकेंड होगा। अब आगे देखते हैं क्या 48 नंबर का क्वेश्चन, मैथ का 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 आपका यदि गणितीय ऑपरेटर मतलब क्या है कि जो गुणा है, मतलब ए का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है गुणा, और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है प्लस, और ई का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है भाग, ठीक है। अब इसी तरीके से दिया है बी का मतलब दिया है माइनस, ठीक है, तो आपसे दिया है क्या कि 24 बी, उसके बाद क्या है दिया है 6 ई, और दिया है आपका 2 ए, उसके बाद ए 9 आर, उसके बाद दिया है क्या 17, इसका मान क्या होगा, तो आपको लगाना है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इस सब का मतलब दे दिया है तो यहां पर लिखेंगे क्या 24 बी, बी का मतलब क्या हुआ माइनस, यहां पर 6, इसके बाद ई का मतलब क्या दिया है इसमें टोटल लिखेंगे क्या भाग क्या है ई का, और यहां पर क्या है 2 लिख दें, उसके बाद ए है, ए का मतलब यहां पर क्या होगा 9 होगा, उसके बाद आर का मतलब क्या है यहां पर प्लस, और यहां पर 17 होगा। अब इसको आपको हल करना है तो क्या होगा इसका आंसर क्या होगा, तो पहले इस तरीके से जब क्वेश्चन दिया तो बोर्ड मास्कर्स लगाते हैं, तो इससे पहले क्या करेंगे 2 का हम भाग करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 24 और माइनस क्या 3 और गुणित क्या है 9 हो जाएगा, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस, उसके बाद क्या होगा 24 और 9 तरीके, फिर उसके बाद क्या पहले भाग करते हैं फिर गुणा फिर क्या है जोड़ते हैं फिर अरे घटाते हैं फिर उसके बाद जोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे क्या है यहां पर जोड़ेंगे फिर घटा देंगे लास्ट में, तो इसका 9 9 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 3 = 27 प्लस कितना 17 होगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे इन दोनों प्लसों को जोड़ दीजिए, दोनों प्लसों को जोड़ेंगे तो 24 × 10 कितना हो जाएगा 34, 34 × 7 कितना हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा, 41 में से आप 27 को घटाएंगे
कितना आ जाएगा, 11 में से 7 गया 1 और यहां 3 में से 2 गया 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 11 में से 7 गया 4 हो जाएगा, यहां पर 7 4 11 होता है ना, तो 14 हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 48 का। आगे है क्या, क्वेश्चन नंबर 49 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 आपका यह है कि यहां पर दिया है हर्ष की आयु 40 वर्ष, क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, हर्ष की आयु क्या है 40 वर्ष कहा है। उसके बाद रीत, एक रीत है, रीत की आयु दी हुई है कितना 60 वर्ष दी हुई है, ये सभी वर्ष में है तो वर्ष में दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि कितने वर्ष पहले, क्या कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाए, 3:5 हो जाए, तो कितने वर्ष पहले, तो आप करेंगे कि हर्ष और रीत का आयु का अनुपात यहां पर इस तरीके से लिख देंगे, और इनमें कितना वर्ष पहले कह रहा है तो यक्ष घटा दीजिए और इनका अनुपात कितना 3:5 कर दीजिए, इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 40 × 200 और -5x = कितना होगा 7×21 मतलब 36×18 180 माइनस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इनको घटा देंगे तो 3x 5x में से घटेगा तो कितना इधर बचेगा 2x बराबर, यहाँ 180 इसमें से काट देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 20 बचेगा, इधर कितना 0, इसको भगा दीजिए उधर तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20/2, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 10 वर्ष, कितना होगा 10 वर्ष पहले क्या होगा इनका, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इस तरीके से होगा, देखिए क्या है लास्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें कहा है कि दो मोटरसाइकिल की चालों की तुलना कीजिए, जो कि एक कहा है कि 80 किमी, क्या 80 किमी/घंटा, 80 किमी/घंटा दिया हुआ, तुलना करना है, तुलना मतलब बराबर करना। उसके बाद क्या है कि 10 मीटर/सेकेंड, एक कार की क्या है 10 मीटर/सेकेंड, इसमें देखिए किमी/घंटा दिया है, यहां मीटर/सेकेंड दिया है, तो अनुपात निकालना, अनुपात मतलब बटे कर दीजिए, तो 80 दिया है 80 कर दीजिए, मीटर/सेकेंड में इसको बना लीजिए, तो किमी से मीटर/सेकेंड में जाने के लिए क्या करेंगे आप 5/18, जिसमें जाया जाता पहले छोटा में जाता है, किमी बड़ा है तो बड़ा से छोटा में जाना हो तो आप क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, अगर मीटर/सेकेंड से किमी में आना हो तो आप कर देंगे क्या 18/5, मतलब जिसमें जाना होता है वह संख्या ऊपर, जैसे छोटा में जाना है तो छोटा संख्या ऊपर, बड़ी संख्या ऊपर, बड़े में जाना है छोटे से बड़े में जाना है तो बड़ा संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे का गुणा कर देते हैं, यह हो जाएगा पहले कार की चाल। उसके बाद दूसरा दिया है क्या 10 मीटर दिया है, यह मीटर/सेकेंड में हो गया, यह मीटर/सेकेंड में ऊपर भी हो गया, मीटर/सेकेंड में नीचे भी हो गया, तो हम इसको क्या कर देंगे काट देंगे, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो हम अनुपात में लिखेंगे, इधर आगे अनुपात में लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8×40 400/ कितना 18/ कितना हो जाएगा आपका यहां पर 10, इसके नीचे 1, इनको अनुपात बनाना हो तो 400/18 गुणित कितना 1/10, तो 10 से एक जीरो कट जाएगा आपका, एक जीरो कटने के बाद कितना आया 40/18, तो आप काट देंगे 2 से काट देंगे 2 20 और क्या है 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20/9 आएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन थे जो कि आपका टेस्ट में जितने भी थे पेपर में, इस पेपर में आपका यहाँ पर ये पेपर है, और यह क्या है जितने इसमें क्वेश्चन है एक से लेकर क्या है सब तो क्वेश्चन है, कुछ इसमें क्या है मैथ और साइंस के पेपर क्वेश्चन बनाए गए हैं जो कि बेसिक तरीके से बनाया गया है। ठीक है, कुछ जीके के क्वेश्चन है, तो जिनके पास तो पेपर नहीं है वो तो क्वेश्चन खाली सुनकर भी आप कर सकते हैं, अन्यथा क्या है बिना पेपर के आप नहीं समझ पाएंगे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पेपर का मतलब क्या है, या हम जो वीडियो बनाए हैं वो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है आपका फर्स्ट और पूरे 50 क्वेश्चन का एक ही वीडियो बन सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, या पेपर आपको अगर क्वेश्चन ठीक लग रहा है तो आप कोशिश करेंगे कि इसमें आप रुचि रख रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि इसमें आप अच्छे से अच्छे करने के लिए क्वेश्चन का प्रयास करेंगे। ठीक है,